गरीब गरीब में सामर्थ्य मैं देख पाता हूं, मैं देश के गरीबों की शक्ति को पहचान पाता हूं और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में जितना ज्यादा गरीबों को अवसर मिलेगा उतना ज्यादा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। गरीब अगर शिक्षित होगा तो समाज को ज्यादा परिणाम देगा, गरीब को अगर कार्य का अवसर मिला तो देश के लिए ज्यादा करके दिखाएगा। और इस देश की एक सबसे बड़ी ताकत वो हमारे देश का गरीब है। कभी कभी आज मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा बोझ झेलना पड़ता है, कर भी मध्यम वर्ग को ज्यादा देना पड़ता है, नियमों का पालन भी मध्यम वर्ग को ज्यादा करना पड़ता है, समाज की सब मर्यादाओं का पालन भी मध्यम वर्ग को करना पड़ता है, सारे आर्थिक बोझ भी क्वांटम के रूप से देखें तो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहन करता है, उस पर यह बोझ कम होना चाहिए। मध्यम वर्ग पर जो ये मध्यम वर्ग पर जो बोझ रहता है और उसके कारण उसके पास क्षमता भी है तेज गति से जाने के लिए, उसको किसी की मदद जरूरत नहीं है, सिर्फ वो इतना ही चाहता है कि रुकावटें दूर हो, वो दौड़ करके कुछ करने के लिए क्षमता रखता है। एक बार देश के गरीब के अंदर खुद का बोझ उठाने की ताकत आ जाएगी, इस देश के मध्यम वर्ग का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। अर्थशास्त्र के इस रूप को मैं न्यू इंडिया में अनुभव कर रहा हूं। और एक बार देश के गरीब की ताकत, देश के मध्यम वर्ग के सपने, इनको अगर मिला लें तो इस देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता।